Hi everybody, welcome to Studium Legis, myself Syed Shoaib Ahmed. Today I am going to tell you a very important article of Constitution of India. Let's start now. तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल 52 के बारे में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या लिखा गया है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब हम आर्टिकल 53 देखेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसमें क्या लिखा गया है ये अब हम देखते हैं, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाई हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबोर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विथ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार खुद या अपने सबोर्डिनेट ऑफिसर यानी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब आर्टिकल 53 का सब सेक्शन 2 हम देखते हैं, विदाउट प्री जुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ फॉर गोइंग प्रोविजन द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाई लॉ। इसका मतलब ये जो भी प्रोविजन ऊपर बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में होगा, इसे बिना प्रभाव डाले, इसे थोड़ा गौर से आप लोग सुनिएगा, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये जो भी प्रोविजन ऊपर बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में होगा, इसे बिना प्रभाव डाले, संघ के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांड प्रेसिडेंट में होगी और उसका प्रयोग विधि द्वारा किया जाएगा। यानी कि हम सब जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में है, तो उसे बिना प्रभाव डाले संघ के रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांड है वो प्रेसिडेंट में होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा किया जाएगा। अब आर्टिकल 53 का सब सेक्शन 3 देखेंगे, नथिंग इन दिस आर्टिकल साल, इस अनुच्छेद की कोई बात, कौन सी बात, ए में हम देखते हैं, बी डीम टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शन कन्फर्ड बाई एनी एग्जीक्यूटिंग लॉ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अदर अथॉरिटी। इसका मतलब किसी विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या कोई अदर अथॉरिटी को प्रदान किया गया कोई फंक्शन यानी कि कृत राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर दी गई है, ऐसा नहीं समझा जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि विधि द्वारा किसी को प्रदान किया गया कोई फंक्शन यानी कि कोई कृत्य राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर दी गई है, ऐसा नहीं समझा जाएगा। बी देखते हैं, प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फरिंग बाई लॉ फंक्शन और अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट। इसका मतलब यही होता है, राष्ट्रपति से अलग अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत यानी कि फंक्शन प्रदान करने से संसद को कोई रोक नहीं सकता है, प्रेसिडेंट भी नहीं। अब हम आर्टिकल 54 देखते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन। इसमें क्या लिखा गया है, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द नंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें ये देखा जाए, इलेक्टेड नंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। भी क्या कहता है, द इलेक्टेड नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होनी चाहिए। आर्टिकल 54 में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इन दिस आर्टिकल, इन द आर्टिकल 55 स्टेट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी। अनुच्छेद 55 में प्रयुक्त राज्य शब्द में दिल्ली राष्ट्र, राजधानी राज्य और पांडिचेरी भी आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्टिकल 55 पढ़ाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ और बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।